अगर सबसे बड़ी लर्निंग ये है वो है कि हिम्मत मत हारो। अच्छा, कितने बार लगा कि अब तो सब खत्म हो गया लगता है ऐसा, लेकिन फिर ये वैसा है जो एक नैटवर्स ट्रॉफी में, आपको याद है, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने गेम टांग लिया था। क्या बात है। हाँ। तो मुझे लगता है बाजार हर दो साल बाद आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप युवराज सिंह जैसा काम कर सकते हो। वही जब आपके कोलकाता के दादा कैप्टन थे, उन्होंने शर्ट उतार कर हवा में घुमाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पर्सनली बोलता हूँ, हर दो साल, डेढ़ साल, ढाई साल में जब वो गिरावट आती है तो लगता है दुनिया खत्म हो रही है। उस समय अपने आप से भी आप क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि ये करना क्या ठीक है। सब बेच दो, एफडी कर दो, आराम से बैठो, सुबह उठो, 4 बजे उठो, निके ही देखो, रात को सो, डाव को सुला कर सोते हैं और सुबह निके को हम लोग जगाते हैं। तो ये जिंदगी उस समय लगती है बड़ी कठिन है, लेकिन जिंदगी में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता है। आप इतने पैशनेट जब बाजार के लिए हो जाते हैं तो आप फिर उसके साथ लग जाते हैं, इन द सेंस कि इसलिए नहीं कि आपका घाटा हो रहा है, नफा हो रहा है, बट आप छोड़ते नहीं है। तो दो चीजें, एक है हिम्मत नहीं हारनी और ये है, और दूसरा आपको बाजार से बहुत प्यार करना पड़ेगा। सही बात है। मतलब मुझे अगर आप बोले तो बाजार से ज्यादा, पैसे से ज्यादा नहीं, बाजार से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। और वो मैं तो कितने को बोलता हूँ कि इट लुक्स लाइक माय हार्ट बीट्स ऑन द स्क्रीन। वंडरफुल। जो दिल है वो स्क्रीन पे धड़कता है। तो अपना दिल के मूवमेंट के साथ, हाँ, अपना दिल जो है वो स्क्रीन पे देखना जरूरी है। मतलब ये जैसे आप पर्सनल बता रहा हूँ, जैसे आप बोलते ना कि 2 दिन बाद अपने बच्चों से मिलते हैं, तो मंडे जब स्क्रीन खुलती है तो एक अजीब सी खुशी नजर आती है। क्या बात है। और फ्राइडे शाम को बोरियत लगती है। जो नॉर्मल लोगों को फ्राइडे शाम अच्छा लगता होगा और मंडे सुबह लगता है ओ ऑफिस जाना है, तो सैटरडे तो निकल जाता है, संडे कठिन होता है। नहीं, और हमारे जी बिजनेस के बहुत सारे दर्शक हैं जो कितनी बार ट्वीट करते हैं और मुझे मैसेज भेजते हैं सैटरडे संडे क्यों नहीं खुलता। मार्केट और आप दोनों के साथ इतना जो प्यार है, लेकिन आपकी जो खासियत है बसंत जी, मैं आज उसी पर शो करना चाह रहा हूँ। और आपकी खासियत है लोगों से आप है ना एकदम दिल से दिल का रिश्ता जोड़ देते हैं। और आज मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मैं, चलो मेरी छोड़ भी दे दो, हमारे जो दर्शक हैं जो बहुत ज्यादा समझ नहीं रखते इक्विटी मार्केट की, नए नए हैं या पहले से हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि शेयर कैसे खरीदा जाए, कैसे बेचा जाए, तो आज मुझे बेसिक चीज ये सिखाइए, ये समझाइए कि एक आम आदमी अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसे देखकर कैसे शेयर खरीद सकता है, जिसमें मुझे बहुत पढ़ना ना पड़े, बहुत दिमाग ना लगाना पड़े, लेकिन बेसिक्स मुझे समझ में आ जाए कि क्या खरीदना है। देखिए, बाजार में कमाने के लिए यह है कि जो आप कंपनी लें वो टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक है। कि 10 साल 20 साल कंपनी जिंदा रहे। अगर कंपनी जिंदा रहेगी तो उसके इन्वेस्टर भी जिंदा रहेंगे। तो एक आपको यह पता है कि एक फॉर एग्जांपल पहले बार जिंदगी में आपने कब कोलगेट टूथपेस्ट देखा सुबह उठते हुए, राइट? क्या आप उस समय ढूंढने गए कि ये कंपनी लिस्टेड है? उसके बाद जब आप नहाने गए तो आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के साबुन देखे होंगे, शैंपू देखे होंगे, क्या आप ढूंढे वो लिस्टेड है? 100-100 गुना हो गया शेयर। आप ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे तो केलॉग्स आपने खोल के डाला तो केलॉग्स तो लिस्टेड नहीं है, तो स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। आपने नेस्कैफे पिया एक कॉफी, नेस्ले लिस्टेड है, 200-300 गुना पैसे हो गए। आपने पहली बार सिम कार्ड कब लिया? भारतीय एयरटेल लिस्टेड था, 200 गुना पैसे हुए। बगल वाला मारुति निकाल रहा है और आप एम्बेसडर निकाल रहे हैं। आप सोच रहे हैं अगली गाड़ी जो लूंगा एम्बेसडर तो नहीं लूंगा, मारुति ही लूंगा। पहली बार वो कब हुआ? एम्बेसडर गाड़ी बंद हो गई, हिंदुस्तान मोटर का शेयर 0 हो गया, मारुति 0 से हीरो है। तो बगल वाला हीरो होंडा यूज कर रहा है, आपका बजाज का चेतक स्कूटर, आप बोल रहे हैं अब तो मोटरसाइकिल का जमाना है, बजाज मोटरसाइकिल बना नहीं रही है। पूरे 1990 के दशक में हीरो होंडा बजाज को आउट परफॉर्म करता गया, क्योंकि मोटरसाइकिल का जमाना था और बजाज स्कूटर से मोटरसाइकिल बनाने में सोच रहा था। तो और आपको भी पता था कि मोटरसाइकिल ज्यादा अच्छा है, रास्तों में खड्डे हैं, कैसे चलाएं नहीं चलाएं। तो ये होता है बाय व्हाट यू सी कंसेप्ट। पहले बार तनिष्क का शोरूम आपने कब देखा? टाइटन। पहले बार पैंटालून बिग बाजार में आपने कब 26 जनवरी की सेल में लाइन लगाई? पैंटालून रिटेल। तो ऐसे अगर आप
पहले बार SBI में आप गए अपना पासबुक अप टू डेट कराने, उसने बोला 2 बजे के बाद आना। राइट, आप वापस HDFC बैंक में गए, बोला सर आइए बैठिए कॉफी पियेंगे की चाय। आपने बोला यार इधर ही काम करना है अपने को। ठीक बात है। तो HDFC बैंक और SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा और नाना किस्म के कितने बैंकों ने आप देख लीजिए क्या हुआ। तो ये सब तरीकों से। अच्छा, फिर उल्टी बात, डॉक्टर आपके मुंह में छाले पड़ गए तो आपने बोला डॉक्टर मोरेपेन को यूज किया जाए, उसके जो आते थे आपने यूज किया। अगर प्रोडक्ट सही होता तो कंपनी भी सही होती, शायद प्रोडक्ट सही नहीं हुआ तो कंपनी सही नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं जो देखा हो वो खरीदो, वो खरीदो। उसमें आप गलत कहां जाएंगे, आपके रिटर्न नहीं बनेंगे, लेट बनेंगे, 2-3 साल आपको परेशान करेगा शेयर, लेकिन आपका जो कैपिटल है, जो आपकी पूंजी है, वो सुरक्षित रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपने घर में रंगाई पुताई कराई, एशियन पेंट्स हुआ, एशियन पेंट 5,000 गुना हो गया पिछले 30-35 सालों में। मतलब 5,000 गुना मतलब 1,50,00,000,000 रुपए। माई गॉड। सो ये कंसेप्ट। तो उसमें भी ये कि जब पुताई करवा रहे तो एशियन पेंट्स करवाएं, बर्जर करवाएं, नेरोलैक करवाएं, तो वहां पर भी आपके पास चॉइस, और आप कौन सा चुनते हैं, आप कौन सा चुनते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अच्छा, एशियन पेंट भी आपको पता है कि अगर आप थोड़े से काम स्टार्ट किए हैं तो आपने डिस्टेम्पर कराया तो भी आप एशियन पेंट के कस्टमर हैं। आपने थोड़ा सा वॉल पुट्टी लगाई और आपने थोड़ा सा उसको प्लास्टिक पेंट कराया तो भी आप एशियन पेंट है। आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए तो आपने उनको ही बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो भी आप एशियन पेंट के कस्टमर है। आप जब काम शुरू किए तो आप लाइफ बॉय से नहाते थे तो भी आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के कस्टमर थे। आप लक्स से नहाए तो भी आप हिंदुस्तान यूनिलीवर है। अब आप डव यूज करते हैं तो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो आपको ये देखना है आपकी जैसे से प्रोग्रेस हुई वो कंपनी हर वक्त आपके साथ थी। सर आपके पास कुछ ज्यादा पैसे हो गए तो आपके लिए हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है। तो ये कौन सी कंपनी है जो आपका साथ हर वक्त लगाती रहती है और आपको पकड़ के रखती है। तो ये बहुत बेसिक है, ये आदमी सीख ले। क्योंकि अनिल जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है बाजार में 15-18 साल बिना डीमैट खाली किए हुए अगर आप टिक सकेंगे तो गारंटी आप अमीर हो जाएंगे। बिना डीमैट खाली किए हुए, इसके बाजार खराब लग रहा है एक और सब बेच दो। अच्छा, या इसको देखना ही नहीं है मेरे को 2 साल, वो भी मेरे हिसाब से डीमैट खाली है। मतलब यू हैव टू लव द मार्केट। 2 साल भी आपको रोज अपना मार्केट अगर देखना है, प्यार करना है, जरूरी कि रोज कुछ ना कुछ करना ही। बिल्कुल नहीं। हाँ, करेक्ट करेक्ट, है ना? करेक्ट। क्योंकि नहीं तो लोगों को लगता है कि देखने का मतलब करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप पोर्टफोलियो रोज चर्न करें, रोज कुछ खरीदें, रोज कुछ बेचें। ऐसा नजर बनाए रखें, नजर बनाए रखें और इंटरेस्ट बनाए रखें। अगर 15-18 साल आपका इंटरेस्ट बना रहेगा बाजार में तो आप गारंटी हिसाब से अमीर हो जाएंगे। लेकिन बाजार किसी को अपने साथ 15-18 साल रहने ही नहीं देता है, 15 दिन नहीं रहने देता है। वो या तो आपको बहुत ही लालची बना देगा और आप गायब हो कर देगा, और या आप परेशान होकर बाजार को छोड़ देंगे। मतलब इतना 15 साल बाजार में टिक कर रहना हर आदमी के बस की चीज नहीं होती है, क्योंकि आसान नहीं है इसको संभालना। मतलब ये एक शेर के बच्चे की तरह है जिसको आपने गोदी में बैठा के रखना है। तो मेरे हिसाब से तो बाजार बहुत डिफिकल्ट चीज है। जब तेजी है तो फिर तेजी है, लेकिन आसान नहीं होता। लेकिन जो आदमी 15-18 साल निकाल देता है वो अमीर हो जाता है, क्योंकि वो समझ लेता है कि ये बाजार से मेरे को इसी मेथड से पैसा बनेगा। तो जब हम कॉमन सेंस से शेयर खरीदने की बात कर रहे हैं कि भाई आपके आसपास जो दिख रहा है उसे ऑब्जर्व करिए और आपको लगता है कि ये बिजनेस 15-20 साल चलेगा, इसमें गलत जाने के चांस क्या है? कब मैं गलत हो सकता हूं? क्योंकि हो सकता है जैसे स्कूटर से मोटरसाइकिल, चाय से कॉफी, इस तरह से आदतें तो बदलती है। तो वो आदत कब बदल रही है और उस आदत बदलने के पहले उस कंपनी पर जो असर आए उससे पहले मुझे कैसे सावधान होना है? गलत इसमें ये होएगा।